हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एसिड बेस के थ्योरीज बताएंगे और एसिड और बेस क्या होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सो दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिड होता क्या है। सो एसिड को हम सिंपल से लैंग्वेज में ऐसे समझेंगे कि एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका टेस्ट सावर होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है, और एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और एसिड जो है वो अपना एसिडिटी खो देते हैं जब इन्हें अल्कली के साथ कंबाइन किया जाता है। और यह क्यों होता है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा बेसिस। बेसिस क्या है ना, बेसिस ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका टेस्ट बीटर होता है और यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एंड थर्ड है, बेसिस भी अपना अल्कलिनिटी खो देते हैं जब इन्हें एसिड के साथ कंबाइन किया जाता है, और यह क्यों होता है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के वजह से। सो फ्रेंड्स, अब आइए हम इसके थ्योरीज के बारे में जानते हैं। सो एसिड बेस के थ्योरीज हैं अरहेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड सेकेंड थर्ड है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, इस एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सो हमारा सबसे पहला है अरहेनियस कॉन्सेप्ट, या अरहेनियस थ्योरी भी हम कह सकते हैं। अरहेनियस थ्योरी के अनुसार हम एसिड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। सो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल है HCl, HNO3, HI, HBr, CH3, COOH। और एंड फ्रेंड्स, आइए हम इसके बाद इसके रिएक्शन देखते हैं। सो HCl जो है वो एक एसिड है, और इसे और यह एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। एंड नेक्स्ट है बेस। हम अरहेनियस बेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अरहेनियस बेस ऐसे सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और इनके एग्जांपल्स हैं NaOH, KOH, CaOH, होल टू NH4OH। एंड फ्रेंड्स, इसका रिएक्शन है NaOH जब एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करता है ना, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, अरहेनियस थ्योरीज के कुछ लिमिटेशंस भी थे। सो इसका पहला लिमिटेशन है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन एक्वस और गैसेस सॉल्वेंट। मतलब कि अरहेनियस थ्योरी जो है वो नॉन एक्वस और गैसेस सॉल्वेंट्स में एप्लीकेबल नहीं थे। सेकेंड लिमिटेशन इसका, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेस बट इट डज नॉट सेटिस्फाइड अरहेनियस थ्योरी। सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक बेस है लेकिन यह अरहेनियस थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो फ्रेंड्स, ये था अरहेनियस थ्योरी। और नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड थर्ड है लेविस कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में आपको ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लेविस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।